अस्सलाम वालेकुम। किदां जी, की हाल चाल? आज मैं रिव्यू लेके आया हूँ। आज थोड़ा सा मैंने अपने व्लॉगिंग की जो गैजेट्स हैं उसमें कुछ मैंने उसमें इजाफा किया, तो आज उसके बारे में कुछ मैं सोचा इन्फॉर्मेशन दे दें आपको, तो उसके लिए आज रिव्यू बना रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलें फिर अपनी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जी, और सबसे पहले है हमारे पास ट्रिपल कोल्ड शू माउंट। ये बहुत अच्छा गैजेट है जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने कैमरे के साथ लगा के। माइक अटैच कर सकते हैं, एलईडी फ्लैश लाइट अटैच कर सकते हैं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद ये प्लास्टिक में होगा, लेकिन ये पूरा एलुमिनियम कोटेड है, पेंट हुआ हुआ, बहुत अच्छा है इसका पूरा मटेरियल जो है ना, ये देखें। तो इसलिए मैं बड़ा इस चीज़ से मैं बहुत हैप्पी हूँ कि ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा निकला। और ये इसके अंदर है यूयू रिग के नाम से कैमरा ब्लॉगिंग, और ये इस कंपनी का जो है लोगो और ब्रांड इसका। और ये साथ इन्होंने एक दिया है हमें कार्ड, इसके ऊपर थोड़ा सा उन्होंने मेंशन किया है कुछ उनके कंपनी के लिए ब्लॉगिंग मास्टर प्लान। आप इनको ज़रूर जाके चेक करें इनके फेसबुक चैनल पे, मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा। मैंने ये ऑर्डर किया है अमेज़ोन से, तो मैं आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने ऑर्डर किया था क्या माइक बोया का BYMM1। ये हम यूज़ कर सकते हैं, जो कंपैटिबल डिवाइसेस हैं वो भी मेंशन है ऊपर बोया के नाम से, और BYMM1 इसका भी मैंने जो है पूरा अमेज़ोन पे सर्च करके पूरा इसके बारे में रिसर्च किया है। तो जो रूड के बाद में इसका नाम आता है, रूड थोड़ा अभी आउट ऑफ बजट चला जाता है, तो कोई नहीं, ये भी चलेगा ज़बरदस्त ही। और क्या इसके अंदर, हाँ इसके कैटलॉग्स, हाँ ये इसका मैनुअल है, कैसे हम इसको अटैच कर सकते हैं, माउंटिंग का पूरा इसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। सिर्फ नाम चेंज है, बाकी उसके डिज़ाइनिंग पूरी सेम है रूट की। और ये वारंटी कार्ड है, और ये माइक आ गया, फ्लफी फ्लफी टाइप है, काफ़ी अच्छा सॉफ्ट फील होता है ये माइक। विदाउट, अगर हम विंडी वेदर नहीं है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और विंडी वेदर है तो हम इसका ये ऊपर फ्लफी पाउच यूज़ कर सकते हैं। हाँ ये इसका कवर पाउच आ गया कैरी करने के लिए, ये माउंट आ गया इसका, ये हम ऐसे इसको अटैच कर सकते हैं। और ये कुछ इसके साथ में जैक्स हैं जो हम अपने कैमरा, मोबाइल या किसी भी डिवाइस के साथ अटैच कर सकते हैं। ये हम मोबाइल फ़ोन में हम इसको जो है अपना जो हैंड फ्री पोर्ट है उसी के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। काफ़ी अच्छा और इजी है इसको यूज़ करने के लिए और इंस्टॉलेशन के लिए। तो हम लोग जो अपना माउंट है जो हमने मंगवाया था कोल्ड शू माउंट, उसके साथ अटैच करके देखेंगे कि उसके अंदर ये कैसे अटैच होगा। पहले हम इसका जो ब्रैकेट है उसको अटैच करते हैं। इतना कुछ इसको हमें नहीं करने की ज़रूरत कि स्क्रू ड्राइवर वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सब हैंड ऑपरेटेड है। ये है ज़ियोन का स्मूथ फोर गिम्बल। मैंने सोचा अब अगर हम व्लॉगिंग
कर ही रहे हैं तो अब इसको प्रॉपर स्टार्ट करें ताकि हमारी वीडियोस भी ज़रा स्मूथ बने। बॉक्स थोड़ा ओपनिंग के वजह से फट गया। आज मैं अपने ऑफिस में कर रहा हूँ पूरा ये रिव्यू। ये इसकी मैनुअल आ गया सब जो है हाथ से फटता जा रहा है। ओके पूरा हम इसके ऊपर इसका क्वालिटी सर्टिफिकेट साथ में है। और ये हम इसको कैसे अटैच कर सकते हैं, पहले इसको करेंगे हम साइड पे। अब देखते हैं कि हमारे पास इस बॉक्स को ओपन करने में क्या सरप्राइज निकलेगा। वाओ नाइस, वेरी गुड फिनिशिंग, ज़बरदस्त। इतना हैवी भी नहीं है यार ये तो, मैं सोच रहा था कि हैवी होगा। इजी होल्ड करने में इजी है ये। हाँ ये इसका ट्राईपॉड करने के लिए, ये चार्जिंग केबल सी टाइप चार्जिंग केबल है। हाँ सी टाइप चार्जिंग केबल है ये। अब इसको हम ट्राईपॉड बना सकते हैं, कहीं पे भी हम इसको अपना वीडियो बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है इसका, ये जो स्टैंड है नीचे से काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बनाया है इन्होंने। अब हम ट्राई करते हैं इसके साथ वो जो शू माउंट ब्रैकेट हमने मंगवाई थी, कोल्ड शू माउंट, उसको अटैच करने की करेंगे कि कैसे अटैचमेंट कैसे इसको होगी इसकी अटैच। ओके ऐसे अटैच करेंगे हम इसको। ज़बरदस्त, इसकी तरफ रखेंगे ताकि यूज़ करने में आसानी हो, आवाज़ जो है वो भी ना हो। ये हम जैक इसका यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल के साथ या कैमरे के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और आगे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके अल्लाह हाफिज़।